सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब कम्युनिटी बाज़ार की। कर्नल अजय जी, बात करें अगर कम्युनिटी बाज़ार की, और कम्युनिटी बाज़ार में भी अगर एग्री कम्युनिटीज़ की बात की जाए, तो हम देख रहे हैं कि मसालों में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है किन मसालों में आज कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है? मसाला पैक के अंदर आपको याद होगा जब हम लगातार मसाला पैक के ऊपर नजर रखने के लिए आपको आगाह कर रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, और ये भी हमारा मानना है कि सन 2022 मसाला पैक को यदि डेडिकेटेड कर दिया जाए तो इसमें कोई विशेष अतिशोक्ति नहीं होगी। मसाला एक ऐसा एग्रो कमोडिटीज है जो बढ़ने के ऊपर भी सब लोगों की नजर नहीं जाती, क्योंकि आप धनिया है, जीरा है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है या गरम मसाला है, इसकी बहुत कम क्वांटिटी प्रत्येक घर में लगती है, और उसके रेट बढ़ते भी जाते हैं तो भी उसका ध्यान आकर्षित आम लोगों को नहीं होता है। यही वजह है कि इसके अंदर काफी उतार चढ़ाव के बाद में भी ये सुर्खियों में नहीं आता। आपको याद होगा लाल मिर्च के ऊपर हमने एक अपडेट दिया था दिवाली के आसपास, जब बाजारों के अंदर तेज गिरावट थी तब हमने लाल मिर्च को खरीदने की सलाह दी थी और जबरदस्त तेजी रही। अब मुझे लगता है कि लाल मिर्च के अंदर पुनः तेजी का वक्त आ गया है, उसके अंदर तेजी बन सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण जो मसाला है वो है धनिया। धनिया के अंदर लगभग 30-35% की बड़ी उछाल पिछले 1.5 से 2 महीने में आ चुकी है, और जिन कारोबारियों ने, किसानों ने इन शू पर हमारी बात सुनकर माल रोका था, आज वो बहुत अच्छे मुनाफे पर हैं। धनिया के अंदर अच्छा मुनाफा मिल रहा है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय के अंदर 1 से 1.5 महीने में क्या धनिया बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, क्योंकि तेजी के बाद मंदी और मंदी के बाद तेजी की एक परिपाटी है। क्या ऐसा होगा, इसके ऊपर हमारा एक विशेष शो हम कोशिश करेंगे लाने की। धनिया के बाद जीरा, जैसे जीरे पर हमने बात कही कि जीरा गुजरात का जो प्रमुख कृषि फसल है जीरा, वहां पर से जो लगातार सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक जीरे की बिजाई इस साल कम है, और इसका प्रभाव ये भी है कि यही वजह है कि जीरे के अंदर एक अच्छी तेजी की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसका अनुमान आकलन हमने आपको पहले भी दिया था। लेकिन जीरा क्या तेजी के बाद गिरावट देगा? याद रखिएगा, यदि आप सरसों की तरफ देखें, सोयाबीन की तरफ देखें, इनके अंदर दाम पिछले एक साल में डबल हो रहे थे, तो क्या डिमांड डबल हो जाती है? क्या उत्पादन आधा होना हो जाता है उसके बाद ही डबल होता है? सोयाबीन और सरसों जैसी बड़ी फसलें उत्पादन अधिक होते हुए भी उसके भाव डबल हो गए थे, तो उत्पादन ही एकमात्र तेजी या मंदी को आंकने या परखने का साधन नहीं होता, कभी नहीं होता। और ये डिमांड एंड सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो अक्सर रिजल्ट कुछ अलग ही आते हैं, और इसका जबरदस्त विश्लेषण फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस को सही प्रयासों से जब किया जाता है तो एक अद्भुत रिजल्ट निकल के आते हैं जो चमत्कृत कर देते हैं। जो हम लगातार आपको बात करते हैं कॉटन के ऊपर, कॉटन कपास खली के ऊपर, मसाला पैक के ऊपर, ऑयल सीड्स के ऊपर या तिलहन पर, एक और मैं विशेष जानकारी विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं। इस साल मक्का यानी मेज के अंदर उसके दामों के अंदर भी अच्छी तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। तो मक्का के जो खिलाड़ी हैं, मक्का के जो किसान हैं, कारोबारी हैं, इनको भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।